आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल जोश राइडर्स पे। हमारे सामने आप देख रहे हैं टाटा की ये बस है, स्कूल बस है, और ये है 52 सीटर बस जो कि नॉन एसी में है अभी फ़िलहाल। तो साइड से आप देख लीजिए बस का लुक कुछ इस तरीके से है। तो ड्राइवर भाई लोग अंदर बैठे हैं, बाकी काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं मुझे, वैसे मेरी बात हुई है तो। और बाकी और फीडबैक अभी हम लोग बात करते हैं भैया से। तो अंदर लोग हैं तो भैया बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। क्या नाम होगा आपका? जितेंद्र जी। आपका भैया? योगिंदर जी। योगी। और आपका भैया? गौरव। गौरव, गौरव। ठीक है। और भैया जो है यहाँ टाटा के? प्रदीप जी। प्रदीप। तो आप सभी का भैया बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे हमारे जोश राइडर्स पे। तो मैं ये जानना चाहूँगा प्रदीप भाई कि आप ये बस जो है कितने टाइम से चला रहे हैं इस वाले को? इसे जी 4 साल हो गए चलाते। 4 साल हो गए चलाते हुए, यानी 2020 में लिया हुआ है बस ये, है ना। और आप लोगों में दिखा देता हूँ, ये जो बस है ये 52 सीटर है, देख सकते हो 52 सीटर बस है। बाकी जो नॉर्मल फीचर्स रहते हैं बस में वो सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है ना। लाइट वगैरह हो गया, जैसे हैंडल वगैरह हो गए, सामान वगैरह रखने के लिए दोनों तरफ आपको मिल जाते हैं, रैक्स वगैरह प्रॉपर, ये सारी चीज़ें हैं। कैमरे भी हैं, ठीक है। बाकी इसमें कैमरे भी लगे हुए हैं, स्कूल वालों ने सेफ्टी के पर्पज़ से इसमें कैमरे भी लगवा रखे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा भैया कि कैसी लगी बस आपको? भैया वो तो नंबर एक गाड़ी टाटा की बढ़िया लगी भैया जी। तो और कौन कौन सी बसें हैं अपने स्कूल में? अपने स्कूल में टाटा है जी, महिंद्रा है, टाटा है, महिंद्रा SML है, महिंद्रा है और SML है, और लेलैंड भी है, अशोक लेलैंड भी है। तो कितने कितने सीटर है? जैसे टाटा तो अपने पास ही 42 है, 52 है। अच्छा, ये 52 है, ठीक है। तो कैसा, मतलब कैसा लग रहा है, कौन सी सबसे बढ़िया लगी आपको? हमारे टाटा सबसे बढ़िया लगी। सबसे बढ़िया टाटा लगी। और बाकी जो आपको अच्छी नहीं लगी तो उनमें क्या चीजें हैं जो अच्छी नहीं लगी? उनके तो ना वो मालिक सुनते, जैसे SML की अगर अपन बात करें जी। तो SML में बताइए क्या बुराई है? SML में तो हमारे अच्छी लगी ना जी, वो हर वक्त कोड दिखाए जा जी, वह तो कोड दिखाए जा ना, एजेंसी में सुनवाई है ना, एजेंसी में सुनवाई है। अगर अच्छा। हमारे मालिक फोन करे तो सुनेंगे, नहीं तो वे सुनते भी नहीं। टाटा इज द बेस्ट। अच्छा, उनकी एक गाड़ी तो ऐसी है कि उसका सामान आज तक अभी आया नहीं, 2.5 महीने गाड़ी को कंपनी तक आके चलते होंगे। अच्छा जी। हाँ जी, ऐसे डालियो मैं ऊपर दे रखा हूँ। तो ये तो SML की बात हो गई। और अगर अशोक लेलैंड की बात करें तो उसमें क्या तो कर रहे सभी लोग? अशोक लेलैंड वाले भी पर इतनी नहीं, इतनी टाटा वाले कर। अच्छा, और एक जो है अपने अशोक लेलैंड के बाद और कौन सी बताई आपने? महिंद्रा जी। महिंद्रा की, महिंद्रा का बताइए। महिंद्रा की भी समझ में नहीं आई बात। महिंद्रा भी समझ में नहीं आई? महिंद्रा में क्या दिक्कत है? वो अभी रोज खराब हुई रहे, खराब हुई रहे, पता नहीं क्या नहीं लिख रहा। अच्छा जी, हमें टाटा सा गाड़ी बढ़िया नहीं लगी। नहीं लगी कोई भी? तो इसमें मतलब क्या चीज़ आपको अच्छी लगी? चलो अच्छी तो लगी, लेकिन क्या अच्छा लगा? सारा तो वो अड़ंगस में बढ़िया लगा, कोई दिक्कत नहीं, बिगाड़ नहीं है कुछ भी, कितना लोड उठा लो, कितना भी लोड उठा लो। इसके पीछे का लकड़ी हटा हुआ यार पहले। अभी अभी यहाँ पे जो है अभी क्या समस्या आ गई गाड़ी में? अब जी फिल्टर चौक हो रहे थे, ये बत्ती दिखा रही थी। तो अभी अभी आप एजेंसी पे इसको लेके आए हो तो जी। अभी ठीक वगैरह हो गया है जी, ठीक हो, है ना, आपको दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत। तो बीच में कभी और समस्या आई? नहीं जी, इस गाड़ी में नहीं आई कोई भी। कोई समस्या नहीं, यानी 2020 में लिया आपने और आज जो है 2024 चल रहा है, 2024 में फरवरी का महीना चल रहा है, कोई समस्या नहीं है। बहुत बढ़िया जी। बाकी चलाने के मामले में आपको कैसी लगी, हैंडलिंग कैसी है गाड़ी की? मतलब जैसे कट मारना पड़ गया, ब्रेक मारने पड़ गए, बहुत बढ़िया, और उसमें सुविधा बढ़िया है। एवरेज क्या रहता है भैया गाड़ी का? एवरेज जी और का तो मुझे पता नहीं, पर हमारी यार 9 का दे रही है। 9 का एवरेज दे रही है। अच्छा जी, और कितने लीटर का डीजल टैंक है इसका? इसका 60 का जी। 60 लीटर का डीजल टैंक है, 9 का एवरेज दे रही है गाड़ी। कीमत क्या बैठती होगी भैया इस गाड़ी की? यह कटवाई थी 22 में। तो कीमत क्या थी उस टाइम पर? 22 की थी जी, 22 लाख में पड़ी थी। सही है, कागज पत्तर सब ओके हो गए, सब ओके करके 22 लाख में पूरी पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोगों को बता दूं यार, गाड़ी से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी एक्सेसरीज हैं, और बाकी और भी बहुत सारे ऐसे ऑफर्स चल रहे हैं अमेजोन पे जो कि आप खरीद सकते हैं, 90% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट। भाई मिले आगे, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप बुकिंग कर सकते हैं। बाकी भाई लोग गाड़ी के बारे में बता रहे हैं। तो अच्छा भैया, जैसे आपके आप गाड़ी का काम देखते रहते हैं ना, तो आपके पास क्या समस्याएं ज़्यादातर लेके आते हैं लोग?
ज्यादातर इसी की आती है जी। किसकी? पिस्टनों की। जैसे तुम्हारा तेल गाड़ी उठा रही है, प्रेशर में चल रही है, उसका फिल्टर में यही दिक्कत आती है भाई। भाई इसी की समस्या ज्यादातर आती है। कितना टाइम उसको लगता है ठीक करने में? जैसे अभी आपके आपने सारे बैठे तो काम का टाइम है, काम के हिसाब से लगता है। जैसे काम होता है वैसे टाइम लग जाए, दो दो घंटे लग जाए, आठ घंटे भी लग जाए, एक घंटा भी लग जाए। ठीक है। इतवार का दिन आज तो दिक्कत है, बाकी अब तो ही काम हो इसमें। अच्छा, बाकी आज थोड़ा सा टाइम लग गया, बाकी दिन काम हो जाता है फटाफट। ठीक है। और बाकी वैसे और भी सर्विस आपने करवाई होगी गाड़ी का, तो कितना खर्चा बैठता है नॉर्मली? नॉर्मली उसका कितना बैठता था ऐसे में लोड़ा? उसका तो 5,000 के, 5,000 तो ऊपर ही बैठा था उसका खर्चा तो सर्विस का, 5,000 के करीब। और इसका कितना बैठा हो? इसका भी वही बैठे 3-4 हज़ार। 3-4 हज़ार में सर्विस हो जाती है इसकी? अच्छा जी, यार। तो और अगर इसकी बात करें भैया, जैसे कि गाड़ियां जो है अलग अलग उसमें है अपने सीटर में, तो सबसे बेस्ट जो है स्कूल बसों के लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा, कौन सा सीटर लेना चाहिए, जिससे कि आदमी कल को पछताए ना कि यार मैंने छोटी ले ली या मैंने बड़ी ले ली। स्कूल के ऊपर डिपेंड है किसकी किसने बच्चों की। लेकिन फिर भी कई बार नया कोई आदमी है जो स्कूल खोल रहा है, अब वो स्कूल बस लेने चला, उसको कोई आइडिया नहीं है, है ना, कि कितने सीटर लेनी चाहिए कायदे में? 42 सीटर सबसे बेस्ट है। 42 लो या 52 लो, 42 और 52 में कितने रुपए का अंतर पड़ जाता होगा? फिर भी 42 में इसमें 2 लाख का फर्क, 2 लाख रुपए का फर्क रहता बस। 42 आ जाती है 20 लाख में, ये 22 लाख में, तो फायदा तो इसी को लेने में, 52 को लेने में फायदा है ना। लेकिन ये इसमें एक दिक्कत रहती होगी कि घुमाने वुमाने में, जैसे गलियां वाली है, रोड की है ना, रोड की है ये, वो मैं गली गली नहीं घुमाई, गली गली नहीं घुमा सकते। और 42 सीटर वाले को वो कुछ चलने पड़ जाओ अंदर गांव में, थोड़ा बहुत हो जाता है उसमें एडजस्टमेंट ना, बाकी 32 सीटर कहीं वो चले। बढ़िया। तो अगर 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 कुल मिला के अगर भैया अगर बात करें, जैसे कोई नया भाई है गाड़ी लेना चाह रहा है स्कूल के लिए, ठीक है, नया नया स्कूल खोला है गाड़ी लेना है, तो उसको टाटा लेनी चाहिए, अशोक लेलैंड लेनी चाहिए, टाटा लेनी चाहिए? चलिए बढ़िया। तो आप भाई तो बाकी भाई देखो गाड़ी मैंने आपको दिखाई दी है, गाड़ी बेहतरीन है। टायर वगैरह भैया कभी आपको लगते हैं कि टायर इसके छोटे हैं या थोड़े बड़े होने चाहिए? टायर बिल्कुल सही है, टायर का साइज सही है। कितने तक की स्पीड हम लोग चला सकते हैं इसको मैक्सिमम? इसको ये वो तो स्कूल के ऊपर डिपेंड है, बाकी हर स्कूल। लेकिन फिर भी नॉर्मली कितना चलाना चाहिए जो सेफ रहता है? 60 मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए ना। ठीक है। तो बाकी और कोई ऐसी चीज़ जो आप इस गाड़ी के बारे में बताना चाहें? नहीं, और सब बता दिया आपको, बाकी सारी चीज़ें हैं। ठीक है भैया। तो मैं एक बार पीछे का लुक भी आपको दिखा देता हूँ गाड़ी का। भाई गाड़ी काफ़ी मतलब पुरानी तो नहीं कह सकते फिर भी, लेकिन तो आप देख सकते हैं मैं टाटा के शोरूम पे ही हूँ और ये गाड़ी सर्विस होने के लिए, सर्विस क्या इसमें एक दिक्कत आ गई थी उसके लिए आई थी। पीछे का लुक ये है, सिंपल सा है, बढ़िया है। ठीक है। तो भैया आप लोग हमारे चैनल पे आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कीमती समय दिया। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए यार दोस्तों के साथ, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तो नीचे लिंक से ज़रूर शॉपिंग करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गाड़ी ध्यान से चलाइए। बाय।